अच्छा आपको छोड़ के मैंने कल ही पढ़ा था कि रजत शर्मा जी की मुझे हुए कि रजत शर्मा जी का ठीक हुआ करते तो उन्होंने दूर दे दिए थे। और ऐसे कई उदाहरण है कि ये भी जानकारी में आया कि उनके जितने भी लोग काम करते थे उनका उन्होंने सबका इंश्योरेंस वगैरह करा रखा था और सब लोगों के लिए घर दे रखा था। और जबकि कई लोग करने के बाद जताते हैं मगर ये अभी तक जानकारी में नहीं आई थी। अब जो लोग मुझे जानने के बाद ये जानकारियाँ आ रही हैं तो लगता है कि एक समाज से भी एक नेता ये जो हमारे बीच से गए सबका क्या क्या लगता है सर आपको भाजपा सरकार के जो प्रोसेस है जो काम आज भी आगे करनी है क्या उनमें दिक्कत आ सकती है? नहीं, किसी ने किसी की कमी तो बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में एक गार्जियन के रूप में वो हमेशा मार्ग करते हमें दर्शन देते रहते हमारा मार्गदर्शन करते रहते थे। पहले भी उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाले हैं। अब ये है कि कमी तो फलेगी फलेगी मगर ईश्वर को जो मंजूर है उसके अलावा तो कुछ कहा नहीं जा सकता मगर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहले अगस्त का महीना हमारे लिए बड़ा ही दुखपूर्ण रहा है कि हमारे बड़े बड़े नेता दिग्गज नेता जिनके हमें मार्गदर्शन मिलता था और उनके मार्गदर्शन में उनके सानिध्य में भाजपा मजबूत रही है और उनके जाने से बहुत बड़ा हम लोगों को एक क्षति हुई है तो किसी तरह भी पूर्ण नहीं हो सकती। ये अगस्त का महीना ही हमारे लिए बड़ा बड़े बड़े नेता उनके हो गए उसके क्षति के जाने से मतलब हमारी बहुत नुकसान हो गई। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसका बहुत नुकसान हो गई क्योंकि इस नुकसान को हम कहीं नहीं पूरा कर सकते तो इसलिए तो हम तो सभी सम्मिलित है क्योंकि उन्होंने जो दिया हो इस पार्टी को उच्च पार्टी हो या वैसे से तो बहुत कीमती है और उनके जाने से हमारी बहुत ही मूल्यवान बहुत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा अरुण जेटली जी आपको मन पसंद पार्टी के वरिष्ठ नेता थे लोगों से बड़े प्यार से मिलते थे महिलाओं के लिए जितना भी हेल्प हो सकती थी उतनी हेल्प करते थे तो बड़े नेताओं को तो हर वक्त ही याद किया जाएगा। ऐसा तो कोई भी पल नहीं होगा जिस पल हम अपने बड़े नेताओं को भूलेंगे और आदर्श तो रहेंगे ही वो हमारे लिए चाहे ईश्वर की इच्छा के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता बस यही कह के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगी। अरुण जेटली जी लगभग 30 से 40 वर्ष से पॉलिटिक्स के अंदर पार्टी में चुके थे तो लगभग यूथ से अपने कॉलेज टाइम में टाइम से ही वो एबीवीपी के साथ जुड़े थे जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक यूथ विंग है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत करी काफ़ी ऐसे स्टेप उठाए डिमोनेटाइजेशन हो या GST हो उनके अंदर अरुण जेटली जी का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है काफ़ी बड़ा उनका सपोर्ट रहा है क्योंकि उनके बिना शायद ही ये सब ये जो कदम उठाए गए थे शायद ही पूरे किए जा सकते थे। क्या लगता है मैम जो कदम उठाए गए थे डिमोनेटाइजेशन या फिर GST क्या लगता है आपको देश को अरुण जेटली उन चीज़ों को लेकर हमेशा याद करेगा देश सभी पूरा देश उनको याद करेगा क्योंकि उन्होंने अपने समय में जो जो पद की गरिमा को समझ के उन्होंने काम किया जो दायित्व निभाया वो पूरे तरीके से निभाया तो पूरा देश उनके शोक के लिए है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को उनको पूरी मतलब शक्ति दे के इस परेशानी को वो झेलने की शक्ति दे और हम यही चाहेंगे कि इतने अच्छे जो नेता थे हमारे उनको मतलब ईश्वर ने हमसे छीन लिया मगर उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं में एक शक्ति दी है तो जो वो काम है उनका वो सब मिलकर पूरा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से कितनी अच्छी छवि अरुण जेटली जी की लोगों के दिलों में है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा अरुण जेटली आपके पर्सनली तौर पर तो वो बहुत ही अच्छे इंसान जी और मैं आज से नहीं सन 80 से देख रहा हूँ और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में वो कभी ये नहीं सोचते थे कि ये छोटा कार्यकर्ता है वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अपने सम्मान बराबर बैठा कर बात करते थे और देश में एक ऐसा नेता खुला है जो विपक्ष भी उनका कभी बुरा नहीं कर सकता विपक्ष भी उनकी इज्जत करता था और ऐसा नेता खोकर हम बहुत दुखी हैं। अब हम इस तरह को कुछ नहीं कर सकते बहुत सुन ही पा रहे हैं हम इस वक्त अभी भाजपा सरकार के हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े हैं जहाँ पर कुछ ही देर में उनकी शव यात्रा अभी शुरू होने वाली है निगम बोध के लिए। हम देख रहे हैं किस तरह से लोगों के दिलों में लोगों के लिए अरुण जेटली जी कितने अच्छे एक इंसान के एक आइडल की तरह उनकी ज़िंदगी में रहे हैं लगभग 30 साल से 40 साल से पॉलिटिक्स में अपना योगदान देते रहे हैं
लोगों की कमी काफ़ी चल रही है। हमने बात करी है भाजपा सरकार के कुछ कार्यकर्ताओं से, उन्होंने बताया कि वो एक दिल के भी अच्छे इंसान थे और उन्होंने जो दिमाग से फैसले उठाए वो सारे के सारे देश के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहे, हमेशा सफल रहे हैं। दिल्ली से कैमरा लोकेश गोस्वामी के साथ ही साथ।